हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर निष्ठा जैन और आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट इजी वेज टू बी हेल्दियर। राइट, कौन से आसान तरीके हैं जिससे आप एक हेल्दी और एक फिट लाइफ बिता सकते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वे ऑफ लाइफ मेडिकेशन का क्या मतलब है। सी, व्हाट इज़ वे ऑफ लाइफ मेडिकेशन? ये एक तरीका है कि आपकी जो लाइफ रहे वो लॉन्ग लास्टिंग, बहुत हेल्दी लाइफ रहे। राइट, तो वे ऑफ लाइफ मेडिकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं? लाइक हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं अपने रूटीन में, अपनी एक्सरसाइजेस में। राइट, और स्ट्रेस मैनेजमेंट स्पेशली बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा और फिर भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइटिंग्स कर रहे हैं, तो इट विल नॉट वर्क। राइट, सबसे पहले आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना है। राइट, तो ये जो कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं ये हम कर सकते हैं टू मेक आवर लाइफ हेल्दियर। ऑलराइट, सो जो मैं इंफॉर्मेशन आज आपको देने वाली हूँ, विद दैट यू विल बी एबल टू मेक योर लाइफ बेटर एंड हेल्दियर इन मेनी वेज, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इन एवरी वे। ओके, सो यू नो यू डोंट नीड टू परचेज अ सेकेंड कूलर फॉर स्टफिंग योर फ्रोजन सपर और फॉर You know, frozen materials. You don't need to buy a second cooler for that. मैं बहुत simple आपको tips बताने वाली हूँ to lead a healthier life. Okay. So first of all, the main thing is जैसा मैंने आपको बताया, stress management बहुत ज़रूरी है. Right. तो think positive and focus on gratitude. इसका मतलब ये है कि हमारे लिए positive सोचना बहुत ही ज़रूरी है. You know, शायद आपने सुना हो, thoughts become things. अगर आप सोचेंगे कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आप बहुत अनहेल्दी हैं, मैं मोटी हूँ, मैं यू नो आई एम नॉट ब्यूटीफुल या आई डोंट लुक गुड, आप ऐसा कुछ भी सोचेंगे तो दैट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी। राइट, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे कि आई लुक गुड, आई लुक फिट, ओके, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैनी पीपल डोंट अग्री विद दिस, बट दिस इज़ अ फैक्ट कि ग्रैटिट्यूड एक तो बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड मतलब ये कि You have to be thankful for everything you have, right? For a good health, for a good body, for good features, for a good face, for everything you have. Okay, so this is very important. Okay, so various researches show that your body accepts your opinion. Okay, so आप जैसा सोचते हैं, आप body को जैसा command देते हैं, वो वैसा करने लगती है। आपने बोला कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, तो it will find out ways कि आप अच्छे वाकई में ना दिखें। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस, और ये एक फैक्ट है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, सो थिंकिंग पॉजिटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द सेकंड टिप इज टू ईट योर वेजिटेबल्स। राइट, ईटिंग योर वेजिटेबल्स इन एवरी मील। वेजिटेबल्स जो है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस सोर्स होता है हर विटामिन मिनरल का। ये स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं ये इस चीज़ को समझते होंगे कि वेजिटेबल्स हर डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। राइट, अगर आप वेजिटेबल्स इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। एंड ईटिंग रूटीन इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स विल यू नो लोअर द रिस्क ऑफ लंग, कोलोन एंड योर ब्रेस्ट कैंसर, और बहुत सारी डिसीजेज हैं जो सिर्फ वेजिटेबल्स रूटीन में खाने से आप अवॉइड कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, और जो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर बहुत डार्क और बहुत बोल्ड कलर के जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। यू नो लाइक कैबेज, ब्रोकली, स्पेशली डार्क ग्रीन ब्रोकली, एंड यू नो टमेटोज, ग्रेप्स। ये जो कलर्ड जो वेजिटेबल्स हैं, ये ऐसा बोलते थे हमारे बड़े बुजुर्ग कि गाजर खाने से फेस पे बिल्कुल लाल लाल अच्छा ग्लो करने लगता है, फेस बहुत अच्छा हो जाता है। सो ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई रिलेटेबल हैं, यू नो दीज वर्क वंडर्स फॉर योर बॉडी, अगर सिर्फ आप रोज़ वेजिटेबल्स इंक्लूड करें अपनी डाइट में। एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू टेल यू कि एक होता है डेड फूड, एक होता है अलाइव फूड। मतलब वो कि जो पका हुआ खाना है, जो हम नॉर्मली पकाते हैं, पका पका कर खाते हैं, वो हमें उतना फ़ायदा नहीं करता जितना रॉ या बॉइल्ड फूड करता है। आई गेस ये आपको पता होगा पहले से, बट बॉइल्ड वेजिटेबल्स इंक्लूड करना बहुत अच्छा होता है। आई नो टेस्ट अच्छा नहीं आता है उनका, बट देन वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। राइट, ओके,
So let's move on to the third point, to set a 5-meal ideal. तो 5-meal ideal का basically ये मतलब है कि आप दिन भर में 5 meals ले in total, 5 से 6 भी ले सकते हैं but 5 तो लेना ही है. Okay, और उसका क्या मतलब है? Breakfast, lunch, dinner and 2 snacks meal, right? तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में तो क्या होता है, हम अच्छे से हैवी खा लेते हैं. लंच डिनर में रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं. स्नैक्स जो हैं उसमें बहुत हेल्दी स्नैक्स खाना है जो आपकी बॉडी को एकदम फिट रखने में मदद करते हैं, राइट? और ये जो 5 meals आपको लेना है ये हर 2-3 घंटे के अंदर लेना है. दैट इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिज्म, आई होप यू नो दैट, राइट? ओके, और इसके अलावा अगर आप 5 meals लेते हैं तो यू नो इट कीप्स यू कूल, आपको स्ट्रेस फ्री रखती है. आप जब थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में खाते हैं तो आपको लाइट भी फील होता है. क्या होता है, हम नॉर्मली ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ब्रेकफास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है आपके डे का, राइट? और क्या होता है, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया फिर लंच में ढेर सारा भर के खा लिया, सो व्हाट हैपेंस कि आपकी बॉडी को रात भर में कुछ भी नहीं मिला खाने को और फिर आपने एकदम से 10-12 घंटे बाद इकट्ठा बहुत सारा खा लिया. तो यू कैन इमेजिन, राइट, कि आपकी बॉडी पे कितना लोड पड़ता है उसकी वजह से. सो यू डोंट हैव टू डू दैट. आप बस हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, राइट? ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सरसाइज डेली. यस, ओके, कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ डाइटिंग से हम वेट लॉस कर सकते हैं, हम फिट हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. एक्सरसाइज एंड डाइटिंग, आई मीन नॉट डाइटिंग एक्चुअली, एक्सरसाइज एंड अ गुड डाइट, दे गो हैंड इन हैंड. अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं और उल्टा सीधा खा रहे हैं तो इट विल नॉट वर्क. अगर आप सिर्फ डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ हेल्दी खा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे, तो वो भी उतना काम नहीं करेगा. सो दे आर बोथ एसेंशियल फॉर योर हेल्थ, राइट? तो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको रोज़ कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट करना है. ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 1 घंटा वर्कआउट करें और यू नो जिम जाएं 1 घंटा, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. और अगर आप सिर्फ आधे घंटे भी करते हैं, यू नो शायद आप वॉक पे चले जाएं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. अगर आप 30 मिनट्स वॉक कर लेते हैं तो इट यू नो इंक्रीजेज योर ब्लड सर्कुलेशन, यू ऑल नो दैट, राइट? तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में कि अच्छा रहे. यू नो इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन ऑल्सो आपकी बॉडी में, हर जगह स्पेशली ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुँचेगी तो आपका ब्रेन और भी एफिशिएंटली काम करेगा, राइट? तो एक्सरसाइज हमें रेगुलरली करना है. और ऐसा नहीं है कि हमको जैसे एक ही एक्सरसाइज रोज़ करना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. किसी दिन आप रनिंग पे चले जाइए, किसी दिन वॉक पर चले जाइए, किसी दिन कार्डियो कर लीजिए, किसी दिन अपना फेवरेट डांस कर लीजिए, इट ऑल वर्क्स. ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपको रोज़ ये करना है, बट यू हैव टू कीप योर बॉडी मूविंग, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप. यस, अगर आप दिन भर बहुत मेहनत कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट पे ध्यान दे रहे हैं लेकिन आपको रात को नींद अच्छे से नहीं आ रही है, तो यू नो राइट कि कैसा हमें दिन भर लाउजी सा, बिल्कुल लेजी सा फील होता है, किसी चीज़ में दिमाग नहीं लगता, बहुत ही मतलब मुश्किल होता है फोकस करना किसी चीज़ पे. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप. यस, एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर ब्रेन एंड योर बॉडी वर्किंग प्रॉपरली. और जैसे जिन लोगों को नींद में प्रॉब्लम आती है, जैसे पर्सनली मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मुझे पहले काफ़ी प्रॉब्लम आती थी सोने में, बट देन व्हेन आई ट्राइड यू नो मेडिटेशन एंड ऑल, इट वर्क्स, प्योरली वर्क्स, और बहुत अच्छी और बहुत साउंड स्लीप आती है. सो यू शुड ट्राई इट टू गेट अ गुड नाइट स्लीप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ यू हैव टू चेक योर फूडीट्यूड. या सिमिलर टू एटीट्यूड बट इट इज़ फूडीट्यूड. फूडीट्यूड में क्या है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और वो आपकी बॉडी पे क्या अफेक्ट करने वाला है, क्या इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं उसके, वो चीज़ पर आपको ध्यान देना है. ओके, जैसे आप जब भी खाना खाते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम खाना खाएं तो बहुत स्लोली खाएं, आराम आराम से चबा कर उसका टेस्ट लेकर, उसकी खुशबू लेकर खाएं. आपको एक एक चीज़ फील होना चाहिए कि हाँ इसमें मुझे टमाटर का टेस्ट आ रहा है, इसमें मुझे अनियन का टेस्ट आ रहा है. यू शुड फील इट व्हाइल ईटिंग इट. आप जब तक उसे फील नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी में खाएंगे तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू, राइट? ऐसे तो देखा जाए तो रोटी सब्जी दाल चावल इज़ अ कम्प्लीट मील, लेकिन अगर उसे भी आप इन्जॉय करके उसका टेस्ट लेकर नहीं खाएंगे तो इट विल नॉट गिव यू प्रॉपर रिजल्ट्स, राइट?
ओके और हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है, किस चीज़ का, कि हम कैसा खाना खा रहे हैं। अगर ज़्यादा कैलोरी वाला खा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं, ज़्यादा नरिशमेंट पे ध्यान देना है। राइट, आई होप आई एम क्लियर। ज़्यादा नरिशमेंट पे ध्यान देना है, ना कि ज़्यादा कैलोरीज पे। दैट डजंट मीन कि आप कम कम खाएं, नो, बट यू हैव टू फोकस ऑन फूड विच विल नरिश यू मोर रादर दैन मेकिंग यू फैट। ओके फाइन, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा ग्रेन्स, ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स, ज़्यादा फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में टू मेक इट वर्क मोर। राइट, सॉरी, ओके, देन ईट लाइक अ किड। यस, आपने बच्चों को खाना खाते हुए देखा होगा, वो लोग कितना इंजॉय करके खाते हैं, बिल्कुल उसमें खो के और एक जगह बैठ कर। राइट, स्पेशली हाँ ऑफकोर्स कुछ बच्चे होते हैं जो यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, उनकी मम्मियाँ चम्मच ले लेके पीछे भागती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द किड्स जो शांति से एक जगह पर बैठकर खाना खाते हैं। यस, सो यू हैव टू बिकम लाइक देम वाइल ईटिंग, एक जगह पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, कोई मोबाइल्स नहीं, कोई टीवीज नहीं, कुछ नहीं, बस एक बच्चे की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठ के आपको खाना खाना है और उस पर ध्यान देना है। एंड ऑफकोर्स जब आपको भूख लगे तब खाना ही है, यू हैव टू ईट व्हेनेवर यू फील हंग्री। बच्चों को आपने देखा होगा फालतू में नहीं खाते हैं वो, लेकिन भूख लगने पर तुरंत आपको बोलते हैं कि उन्हें खाना खाना है। राइट, तो प्लीज डोंट कीप योरसेल्फ सो बिजी कि आप खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ सच वर्क। राइट, सो प्लीज फोकस ऑन योर बॉडीज नीड्स। राइट, अगर आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपको भूख लग रही है, आपको खाना खाना है, तो यू शुड ईट समथिंग, ऑफकोर्स समथिंग हेल्दी। राइट, ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बी अ पिकी ईटर। तो जैसा मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया आपसे कि पिकी ईटर मतलब ये है कि आपको ध्यान देना है आप क्या खा रहे हैं। कुछ भी ये नहीं होना चाहिए कि आपको भूख लगी, कुछ भी अनहेल्दी सा रखा हुआ है, आपने उठाकर खा लिया। डोंट डू दैट। पिकी ईटर मतलब वो कि जो आप खा रहे हैं आपका उस पर ध्यान रहे कि आप क्या खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी पर कैसे काम करने वाला है, उसका आपकी बॉडी पर क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा, उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। राइट, फैट्स, ट्रांस फैट्स, इन सब चीज़ों को हमें डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। प्रिजर्व फूड, स्पेशली चिप्स, स्नैक्स, नमकीन, दीज थिंग्स आर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन योर डाइट एट ऑल। राइट, उससे क्या होता है, अगर जो सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स हम खाते हैं, उनसे क्या होता है, हमारी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बहुत बढ़ जाता है। राइट, हार्ट डिसीजेस की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं अगर हम अनहेल्दी अनसैचुरेटेड फैट्स खाते हैं तो। राइट, ओके, ओमेगा थ्री फैटी एसिड एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए। यू नो इट हेल्प्स यू इन एजिंग ग्रेसफुली, आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदरता से एज करते हैं उसके बाद। ओमेगा थ्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी बॉडी में नहीं बनता है, यू नीड टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। ओके, सो ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं, EPA, DHA, ये बहुत ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, तो आप कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं उसके लिए। राइट, ओमेगा थ्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू इंक्लूड इट इन योर डाइट। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। या ओके, देन आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से फ्लैक्स सीड आते हैं वो खा सकते हैं हफ्ते में एक दो बार, या फिर मीट जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए, मिल्क, चेडर चीज़, पनीर, ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत बहुत ही हेल्दी होती हैं हमारे लिए, सो यू शुड इंक्लूड दीज। और कुछ नहीं, रोज़ नहीं तो एटलीस्ट वीक में दो या तीन बार। राइट, ओमेगा थ्री फैटी एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यूज फूड्स ओवर सप्लीमेंट्स, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्या होता है, ज़्यादातर स्पेशलिस्ट हमको ये सजेस्ट करते हैं कि आप नहीं खा पा रहे, कोई बात नहीं, आप तो मल्टी विटामिन ले लो, सब हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन न्यूट्रिशन। आप अगर खाने की चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, यू नो ऐसा बोलते हैं, आपने शायद सुना होगा कि अगर हम खाने को दवाई की तरह खाएंगे तो दवाई हमें खाने की तरह खानी पड़ेगी। राइट, शायद सुना हो आप लोगों ने, काफ़ी कॉमन सेइंग है। तो हमको मल्टी विटामिन्स पे ना ध्यान देके उन विटामिन्स और मिनरल्स पे ध्यान देना है जो नेचुरली प्रेजेंट है हमारे आसपास, इन वेजिटेबल्स, इन फ्रूट्स। ओके, हमको उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। सो यू हैव टू प्रेफर फूड्स ओवर सप्लीमेंट्स। राइट, ओके, द नेक्स्ट थिंग इज गेट सेटिस्फैक्शन। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया,
कि आप जब खाना खाएं तो उसको एंजॉय करके खाएं. आपको खाना खाने के बाद ऐसा फील होना चाहिए कि वाओ मज़ा आ गया खाना खाते. और ये अनहेल्दी फूड खाने के बाद नहीं होना चाहिए, ये हेल्दी फूड खाने के बाद होना चाहिए. और हेल्दी फूड का मतलब स्पेशली ये नहीं है कि आपको दिन भर बॉइल्ड वेजिटेबल्स ही खाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल सब्जी रोटी भी अगर आप खाते हैं, दाल चावल भी खाते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड. लेकिन उसको भी आपको टेस्ट लेकर एंजॉय करके खाना है, राइट? और ऑफ कोर्स जो भी आप खा रहे हैं उसके नरिशमेंट, उसके डाइटरी नरिशमेंट, उसके बेनिफिट्स पर ध्यान देकर खाना है कि ये मेरी बॉडी में जा रहा है, अब ये मेरी बॉडी में जाकर क्या फ़ायदा या क्या नुकसान करेगा. अगर हम ये सोच के खाएंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा टू अवॉइड एनी अनहेल्दी फूड, राइट? इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स. आई हैव ट्राइड दिस एंड यू शुड ट्राई दिस. या ओके, नाउ ऑफर योर सेल्फ अ रिप्रीव, अ ब्रेक. गिव योर सेल्फ अ ब्रेक. मतलब क्या होता है, कुछ लोग बहुत ही घंटों घंटों तक कार्डियो करते हैं, वर्कआउट करते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरा तो यार 10 किलो कमी नहीं हो रहा, मेरा तो 5 किलो कमी नहीं हो रहा. दैट इज़ नॉट द वे यू डू इट. आप ओवर ट्रेन अगर बॉडी को करेंगे तो हाउ विल इट रिस्पॉन्ड टू यू? जब हम नॉर्मली थक जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं और थक जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा ब्रेन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें तब क्या लगता है कि यार अब रेस्ट चाहिए, अब नहीं बन रहा, राइट? तो दिस इज़ द सेम थिंग विद दिस. अगर आप बॉडी को एक ब्रेक नहीं देंगे, एक रेस्ट नहीं देंगे, बीच में आप कंटिन्यू वर्कआउट करते जाएंगे, तो योर बॉडी विल गिव अप. उससे जितना बनेगा इट डज, राइट? हम जब 1 घंटे वर्कआउट करते हैं, 1 घंटे वॉक करते हैं, तो हमारी बॉडी कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. लेकिन जब आप बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेस में डाल देंगे तो स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, बट नेचुरल है, राइट? तो आपको बॉडी को ब्रेक देना है बीच में. ओके, तो जो हमारी इरिटेबिलिटी होती है, थकान होती है, फटीग होता है, राइट, स्ट्रेस होने लगता है, कुछ मन नहीं करता करने का, तो ये सब क्यों होता है? जब हम बहुत ही ओवर ट्रेन कर देते हैं हमारी बॉडी को, राइट? तो ये हमें नहीं करना है. इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक पीरियडाइजेशन प्रोग्राम बना सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया कि किसी दिन आपने साइकिलिंग कर ली, किसी दिन वॉक पर चले गए, किसी दिन रनिंग पर चले गए, किसी दिन डांस कर लिया अपने मन का, किसी दिन कार्डियो कर लिया. तो दिस वे इट विल हेल्प योर बॉडी. बॉडी को भी मजा आएगा, ब्रेन को भी मजा आएगा, और आपको तो स्पेशली आएगा, राइट? क्योंकि एक वैरायटी हो जाएगी. जब हम सेम चीज़ करते रहते हैं, एक मोनोटोनस लाइफ रहती है, तो हमें मज़ा नहीं आता. या यू ऑल अग्री, राइट? ओके, सो नाउ थिंक स्मॉल. थिंक स्मॉल मतलब है कि थोड़ा थोड़ा सोचिए. हम क्या करते हैं ना, अरे मैं तो 1 महीने में बिल्कुल 10 किलो कम कर लूँगा, मैं तो ये कर लूँगी, मैं तो वो कर लूँगा. दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट. आप थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करो. अगर आप अभी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ भी बॉडी मूवमेंट्स नहीं कर रहे, तो वॉट यू कैन डू इज कल से आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए, राइट? 5 मिनट्स, देन धीरे धीरे 10 मिनट्स. अगर आपको लगता है कि आप पहले डे ही 10-15 मिनट्स तो आराम से कर सकते हैं, तो यू शुड डू दैट. बट आपको एकदम हाई गोल्स नहीं रखने हैं, छोटे छोटे गोल्स रखने हैं, उनको कवर करते जाना है, सो दैट यू विल ऑल्सो फील अप्रिशिएबल. आपको भी लगेगा कि वाह यार मैंने कर लिया, नाउ आई कैन मूव अहेड, राइट? सो थोड़ा थोड़ा सोचना है, छोटा छोटा सोचना है. ओके, अगर आपको लगता है कि आप जैसे ऑफिस से या कहीं भी काम से आकर एकदम आपको खाना पड़ता है, बहुत तेज़ भूख लगती है, तो उसके लिए आप क्या करें कि एक थोड़ा सा अरेंजमेंट करके रखें हेल्दी फूड का, कि आप जब घर आएँ आप वही फूड खाएँ. उसके लिए खुद को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रखें. ओके, इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है. बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. सो दिस इज़ वॉट दे मीन, कि थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपका जो बाकी के भी गोल्स हैं वो भी पूरे हो पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट? ओके, स्टे विथ गुड. तो जो कि हिंदी में बोलते हैं संगत का असर पड़ता है, राइट? ये शायद सबने एक्सपीरियंस किया होगा. तो आप जितने अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, जितने मेंटली साउंड, फिजिकली साउंड लोगों के साथ रहेंगे, आप भी वैसे बनेंगे. इट हैपन्स, यस. आप जितने पॉजिटिव वाइब्स देंगे, आपको उतने ही पॉजिटिव लोग मिलेंगे. आप जितने नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, आप खुद भी नेगेटिव हो जाओगे. सो यू हैव टू अवॉइड सच पीपल. स्टे विद गुड पीपल. यू नो, आप जिम गोअर से एसोसिएट कर सकते हैं, जो आपके साथ रोज़ जिम जाए, या कुछ ऐसे लोग आपकी पहचान के जो डेली रेगुलरली वॉक पर जाते हैं, आप उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, राइट? व्हाट आई मीन इज़ कि जो अच्छे हैं, जो आप देखिए करना चाहते हैं खुद को. वैसे तो कंपेयर करना नहीं चाहिए किसी से, बट अगर करते हैं तो खुद से बेटर लोगों से कंपेयर करना चाहिए, ना कि खुद से बदतर.
वो इसलिए क्योंकि हम जब उन लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं जिनसे हम बेटर होते हैं, तो हमें खुद में इम्प्रूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे इंसान के साथ हूँ जो बहुत फिट है, जो बहुत अच्छा, जिसका खाना पीना है, जिसका रूटीन बहुत अच्छा है, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ यार, मुझे इसके जैसा अपना रूटीन करना चाहिए। बट अगर मैं किसी ऐसे से कंपेयर करूँगी जो जो मतलब मेरे सामने नहीं है कुछ मेरे रूटीन के हिसाब से या कुछ, तो मुझे मुझे क्या फीलिंग आ जाएगी? एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे आई एम द बेस्ट, यू डोंट हैव टू डू दैट। तो यूनाइट विद गुड पीपल, स्टे विद गुड पीपल। ओके, एंड सो यू हैव टू मेक अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए किस चीज़ की। जब आपको लगे कि मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कोई रूटीन नहीं बन पा रहा है, तो आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि आप अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे सपोज आपको लग रहा है कि आप वर्कआउट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल रहा, सो वट शुड यू डू? आप एक लिस्ट बनाइए, राइट देयर माई कॉज ऑफ डूइंग इट, नो टाइम, और उसके आगे लिखिए कि मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, हाउ शुड आई इम्प्रूव इट, राइट? उसके एक्सक्यूजेज नहीं लिखने हैं हमको, उसका तरीका लिखना है कि वॉट शुड आई डू टू मेक इट गो, या वॉट शुड आई डू टू यू नो गेट बेटर, टू इम्प्रूव माई सेल्फ, राइट? तो एक लिस्ट बनाइए, उसे बार बार देखिए, उसमें जो भी आप और पॉजिटिव कर सकते हैं वो मेंशन करिए कि अगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं कि मैं टाइम मैनेज कर सकूं, लेकिन वर्कआउट तो मुझे करना है। यू हैव टू बी डेडिकेटेड, राइट? और एक चीज़ और आप ये भी कर सकते हैं कि यू नो यू कैन परस्यू एन इवेंट। जैसे अलग अलग फिटनेस इवेंट्स होते हैं, रनिंग होती है, मैराथन वगैरह होती हैं, तो जो आपके आसपास हैं, जो आपके पहचान वाले हैं, अगर वो लोग इस तरह के किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट। उससे क्या होगा, आपको एक एक्साइटमेंट होगा, एक जील आएगी आपके अंदर टू यू नो डू इट। जब आप इतने लोगों को करते हुए देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि मुझे भी करना है, ये इट वर्क्स, यस। और ऑफ कोर्स जब ऐसे इवेंट्स चैरिटेबल पर्पस से होते हैं, जब ऐसे इवेंट्स किसी और को एडवांटेज देने के लिए होते हैं, तो हमारा जो वाइब है वो और भी हाई हो जाता है कि वाह, मेरे ऐसा करने से किसी किसी और को कोई मदद मिल जाएगी, दैट्स अ वेरी गुड रीजन, राइट? तो यू शुड परस्यू सच इवेंट्स। ओके, सो आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर ऑन दिस, एंड आई गेस अगर और भी कोई डाउट्स हैं तो आप लोग शायद बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और इन विच एवर वे पॉसिबल। और बाकी तो यस, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स। मैंने बहुत छोटे छोटे टिप्स बताए हैं आपको, अगर आप छोटे से भी स्टार्ट करें तो इट वर्क्स, राइट? ओके, बाय बाय, टेक केयर देन।